हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश सोनी, सेंटर फॉर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस जयपुर से। आज के लेक्चर नंबर 26 में हम बात करेंगे पॉलीगन कमांड की। पॉलीगन किस तरह से यूज़ होगा और हम उसे किस तरह से यूज़ कर पाएंगे, उसके कितने मेथड्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं किस तरह से ये होता है और क्या करते हैं। तो पॉलीगन क्रिएट्स ए क्लोज्ड पॉलीलाइन। तो एक क्लोज्ड पॉलीलाइन से एक मल्टीपल साइड्स वाला ऑब्जेक्ट हम इससे बना सकते हैं, जिसमें मिनिमम साइड्स 3 होंगी एंड मैक्सिमम साइड्स 1024 हो सकती हैं। लेकिन मोस्टली ये 10 से ज़्यादा यूज़ नहीं आता है। बाकी आपके अगर है रिक्वायरमेंट तो इससे ज़्यादा भी आप जो साइट्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, आगे देखते हैं। यू कैन क्रिएट रेक्टेंगल्स एंड रेगुलर पॉलीगन्स क्विकली। Creating polygons is a simple way to draw equilateral triangles, square, pentagons, hexagons and so on. कितने भी sides का आप इसमें object बना सकते हैं। ये mostly 3 तरीके से use होता है, पहले हम समझ लेते हैं। ये कुछ एक circle मैंने एक draw किया हुआ है, यहाँ पे एक hexagon हम shape draw कर रहे हैं। तो ऐसी शेप में हमें एक तो सेंटर पॉइंट इसको देना होगा और एक इसका रेडियस देना होगा, जिससे ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। जो किसी सर्कल के यानी जो भी हमें रेडियस गिवन है उसके इंस्क्राइब्ड, अगर अंदर बनाना है हमें सर्कल तो उसे इंस्क्राइब्ड इन सर्कल कहते हैं, यानी अंदर की तरफ, उस सर्कल के जो भी हमें रेडियस दी हुई है उस सर्कल के अंदर बनने वाला सर्कल। तो इसे दोबारा से देख लेते हैं, इसे कहते हैं इंस्क्राइब्ड इन सर्कल। उसके बाद सेकंड आता है, अगर कोई सर्किल आपके पास दिया हुआ है यानी उसका यहाँ पे मान लीजिए सेंटर पॉइंट है और ये उसका रेडियस है, तो ये जो शेप बनेगा ये बाहर की तरफ बन रहा है, यानी उस सर्किल के बाहर की तरफ बन रहा है। तो इसे कहेंगे सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्किल, यानी सर्किल के बाहर बनने वाला ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से करके आप किसी भी सर्कल के अंदर बना सकते हैं, किसी भी सर्कुलर शेप के बाहर बना सकते हैं। तो अब आगे चलते हैं इसमें। इट नेसेसरी यू कैन यूज एक्सप्लोड टू कन्वर्ट द रिजल्टिंग पॉलीगन ऑब्जेक्ट इनटू लाइंस। यानी अगर आपको ये ऑब्जेक्ट्स की जो साइड्स हैं वो अलग अलग चाहिए, यानी अलग अलग लाइन के तरह यूज लेना है उन्हें, तो आपको इसे एक्सप्लोड करना होगा यानी तोड़ना होगा, ताकि वो अलग अलग ऑब्जेक्ट में डिवाइड हो जाए। वरना क्या होता है कि वो ऑब्जेक्ट सिंगल सेलेक्टेबल होता है, यानी वो एक सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेगा। अगर आप उसे अलग अलग लाइंस के रूप में यूज लेना चाहते हैं तो उसे एक्सप्लोड कमांड को और यूज लेना होगा, उस तरह से वो यूज होगा। चलिए अब देखते हैं इसके कितने मेथड होते हैं। इसके टोटल 3 मेथड्स होते हैं। एक किसी सर्कल के अंदर बनने वाला, यानी किसी सर्कल के अगर हमें अंदर बनाना है तो वो किस तरह से बनाना होगा वो हम देखते हैं। फिर होगा किसी सर्कल के बाहर बनाने वाला, यानी सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल। और तीसरा होगा बाय एज, यानी कोई एज आपको गिवन हो तो उसके अकॉर्डिंग हम इसे किस तरह से बनाएंगे वो चीज हम देखते हैं। तो पहला देखते हैं इंस्क्राइब्ड इन सर्कल। ये इसके लिए आपको जो कमांड देना होगा वो होगा POL एंटर। ये करने के बाद आपको देना होगा स्पेसिफाई नंबर ऑफ साइड्स, यानी कितनी उसकी भुजाएं या फिर कितने साइड्स आपको बनानी है वो टाइप करके और एंटर करना है। फिर स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट जो कि सर्कल का है, जो भी आपने इमेजिनरी सर्कल, जरूरी नहीं है वहां पे सर्कल हो, आपने अगर माना है तो कोई जो भी आप सेंटर पॉइंट देंगे वो उस सर्कल का सेंटर पॉइंट मान लेगा। तो एक क्लिक करना है सेंटर पॉइंट के लिए। उसके बाद एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है आई एंटर फॉर इंस्क्राइब्ड, यानी अंदर की तरफ बनाने के लिए आई एंटर करना है आपको। आई एंटर जैसे ही आपको करते हैं उसके बाद आपको इसे रेडियस देनी होती है, जो भी आप सर्कल के अंदर इसे बनाना चाहते हैं उस सर्कल की रेडियस आप इसे दीजिए 10, 20, 30, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप उसकी रेडियस दीजिए और एंटर कर दीजिए, तो आपका ऑब्जेक्ट वहां पे क्रिएट हो जाएगा, यानी वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। चलिए इसके बाद आते हैं सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल, यानी किसी सर्कल के बाहर जो बनने वाला है वो सर्कल हम किस तरह से बनाएंगे वो चीज देखते हैं। तो यहाँ पे भी कमांड वही रहने वाला है, POL एंटर करना है आपको। इसके बाद आपको वही सेम नंबर ऑफ साइड्स एंटर करना है, कितनी नंबर ऑफ साइड्स होनी चाहिए। उसके बाद सेंटर पॉइंट इसमें भी आपको देना होगा,
लेकिन अब जो चौथा स्टेप है वहां पे आई की जगह आपको सी एंटर करना होगा सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्किल के लिए, यानी सर्किल के अगर बाहर बनाना चाहते हैं तो सी एंटर करना होगा। उसके बाद आ जाते हैं फिफ्थ जो ऑप्शन है, इसमें वो देना होगा रेडियस ऑफ सर्किल, यानी जिस भी सर्किल के बाहर आप बनाना चाहते हो उसकी रेडियस वैल्यू जैसे ही टाइप करेंगे और एंटर करेंगे तो उस ऑब्जेक्ट के बाहर वो सर्किल के बाहर वो आपका पॉलीगन क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद जो थर्ड ऑप्शन आता है वो हमारे पास आता है बाय एज, यानी एक भुजा की लंबाई दी हुई है आपको तो उसके अकॉर्डिंग अगर आपको बनाना है तो वो किस तरह से बनाएंगे वो चीज हम देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेप आपके पास होगा POL एंटर, फिर एंटर नंबर ऑफ साइड्स एंटर। अब आपके पास कोई सेंटर पॉइंट नहीं है इसलिए यहां पे हम क्या करते हैं ई एंटर करते हैं फॉर एज। एज के ई एंटर करने के बाद आपको एज का फर्स्ट एंड पॉइंट क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आप ऑर्थो ऑन कर दीजिए। ऑर्थो ऑन करने के बाद एक डायरेक्शन देके और दूसरे एंड पॉइंट की वैल्यू आप टाइप कर दीजिए या फिर डायरेक्ट सीधा ले जाके क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करते हैं तो आपका ऑब्जेक्ट विदाउट डायमेंशन बनेगा। अगर आप डायरेक्शन देके और वैल्यू पुट करके एंटर करते हैं तो वो उस डायरेक्शन में उतनी डिस्टेंस पर जाके सेकेंड पॉइंट क्लिक कर लेगा। तो इस तरह से करके वो बाय एज जो आपका ऑब्जेक्ट है वो आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, बन जाएगा आसानी से। तो इस तरह से करके आप ये तीनों मेथड यूज करके किसी सर्कल के अंदर बाहर या फिर बाय एज के थ्रू आप ये पॉलीगन क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास पॉलीगन्स हैं, ये कई जगह पे आपको यूज होंगे, कई शेप्स में यूज होंगे। तो ये एक बेसिक शेप है जिसे आपको बनाना चाहिए और आप इसे बना के परफेक्शन की तरफ जाइए, ज्यादा से ज्यादा इसकी प्रैक्टिस करिए ताकि आसानी से आप कभी भी रिक्वायरमेंट होने पर ये चीज बना सकें। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।